हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज 3 दिसंबर 2023 को एचपी टेक कंडक्ट करवाया गया और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर सीरीज बी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी सेक्शन। तो साइकोलॉजी सेक्शन के अंदर सीरीज बी पहला सवाल पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोटिवेशन इज ट्रू। मोटिवेशन के बारे में तो सही स्टेटमेंट है वो कौन सा है। अगर हम बात करें कि मोटिवेशन इंटरनल या एक्सटर्नल होती है तो दोनों होती है, लेकिन हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट पूछने के लिए बताने के लिए कहा गया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या कहा कि मोटिवेशन इंकल्केट होती है एज अ रिजल्ट ऑफ सम, जब हमें कोई जरूरत होती है तो उसके वजह से हम मोटिवेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, दैट इज टीचर कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टीचिंग मेथड टू इम्प्रूव इमेजिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा कि बच्चों की इमेजिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो सही मेथड है वो कौन सा है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास रहेगा स्टोरी टेलिंग मेथड, जो इम्प्रूव करेगा इमेजिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स को। उसके बाद में थर्ड, जीरो ट्रांसफर क्या है। तो यहाँ पर जीरो ट्रांसफर हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जीरो ट्रांसफर क्या है आपका। तो जीरो ट्रांसफर होता है यहाँ पर कि लर्निंग का, जब किसी एक लर्निंग का दूसरी लर्निंग में कोई प्रभाव ना पड़े उसे जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं उनमें विशेषता क्या पाई जाती है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हमारे पास रहेगा वो है हमारा कि उनके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर पूछा था आईक्यू फॉर्मूला के बेस पे, और आईक्यू फॉर्मूला आपको गिवन था यहाँ पर, और पूछा था ये आईक्यू फॉर्मूला में ये जो सीए है हमारे पास, ये सीए क्या है। तो आईक्यू फॉर्मूला में ये जो सीए दिया है, सीए का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 था, हु सेज एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये जो स्टेटमेंट था वो दिया था बी एफ स्किनर ने। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बी एफ स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बारे में कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर यहाँ पर हमारे पास जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अभी फिलहाल वैसे मैंने ये डाउट के ऊपर रखा है, बट मेरे अकॉर्डिंग जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो एक बार हम इसे आंसर की आने के बाद जो है प्रॉपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद द फंडामेंटल रोल्स प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी। कौन सी ऐसी साइकोलॉजी है जहां पर प्रिंसिपल फंडामेंटल रोल्स और थ्योरीज को डिस्कस किया जाता है। तो वो रहेगी हमारे पास डी ऑप्शन, दैट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये सारी चीजें जो है वो इंक्लूड की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेवन प्रोग्रेसिव मेंटेसिस जो टेस्ट है वो किस तरह का टेस्ट है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो रेवन प्रोग्रेसिव था वो था आपके पास ग्रुप नॉन वर्बल। यहाँ पर ग्रुप परफॉर्मेंस दिया था, ग्रुप परफॉर्मेंस को ग्रुप नॉन वर्बल भी कहा जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ईद। ईद के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पर था पहले इट वॉज रियलिटी, और यही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था कि वास्तविकता से नहीं जुड़ा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर था कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, डज नॉट स्टॉप एट एज ऑफ मेजोरिटी। उसके बाद था डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन था हमारे पास यहाँ पर, डेवलपमेंट इज रेफर्स टू फिजिकल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी जो था वो सही आंसर था, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट ही नहीं होता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 12, टीचर शुड यूज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टेक्निक टू इम्प्रूव द मेमोरी ऑफ द लर्नर। टीचर जो है वो बच्चे की मेमोरी को बढ़ाने के लिए कौन से टेक्निक जो है उसे उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपके पास रहेगा वो है आपके पास एंश्योर यूज ऑफ एज मेनी सेंस एज पॉसिबल बाय द स्टूडेंट्स। उसके बाद ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा यहाँ पर नहीं है। तो याद रखिए ना कि जो गिफ्टेड होते हैं वो जल्दी सीखते हैं, ओरिजिनल थिंकिंग करते हैं। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन था हैव वाइड इंटरेस्ट, तो ये भी ठीक था आपके पास, ओरिजिनल थिंकिंग भी ठीक था। तो यहाँ पर जो नहीं है उनके बारे की विशेषता वो रहेगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन, गिफ्टेड चिल्ड्रन परफॉर्म सिंपल टास्क। सिंपल टास्क तो हर नॉर्मल बच्चा भी परफॉर्म करता है, लेकिन वो एडवांस टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु प्रोपाउंडेड टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये क्वेश्चन जो था वो आर स्टेट में भी 3 दिसंबर 2023 को पूछा गया था। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा स्पीयरमैन।
क्वेश्चन नंबर 15 था, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग इज रिलेटेड टू लर्नर हिमसेल्फ। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो शिक्षार्थी स्वयं से संबंधित होता है। तो सबसे बड़ी बात कि शिक्षार्थी जो है वो सीखने के लिए क्या होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए। तो ऑप्शन सी वॉज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 था हमारे पास, अ क्रिएटिव पर्सन हैज। क्रिएटिव पर्सन के पास फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की एबिलिटी भी होती है, और ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर रहेगा हमारे पास वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 17 था, अ स्टूडेंट शोज द साइंस ऑफ कंफ्यूजन एंड ही स्टार्ट्स टू नैप, इट इज द सिम्टम ऑफ। तो यहाँ पर आपके पास क्या कहा था कि यदि कोई छात्र भ्रम के लक्षण दिखाता है और इसे झपकी आने लगती है, नींद आने लगती है क्लास में या कहीं पर, तो वो क्या है, तो किस चीज का सिम्टम है कि वो क्या हो चुका है, थक चुका है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर फटी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बच्चों को मोटिवेट नहीं करता है सीखने के लिए, यूजफुल नहीं है। तो यहाँ पर है आपके पास सही ऑप्शन, टीचर का रिजिड बिहेवियर। टीचर अगर कठोर व्यवहार करता है तो बच्चों को मोटिवेट होने में हेल्प नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। ये सारी चीजें जो है वो व्यक्ति के इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु प्रोफाउंडेड साइकोसोशल थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। बहुत ही आसान और रिपीटेड क्वेश्चन था, तो ये दिया है आपका ऑप्शन नंबर सी, एरिक्सन ने। साइकोसोशल थ्योरी को दिया है एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिटिंग अमंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा कि स्कूल के अराउंड का जो क्या है नॉइज है वो उसे थकने के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसे डिस्टर्ब करने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपके पास नॉइज अराउंड स्कूल। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लर्निंग। तो यहाँ पर हमारे पास पहला ही ऑप्शन है जो लर्निंग के बारे में गलत दिया गया है, क्योंकि लर्निंग एक प्रक्रिया है, वो एक प्रोडक्ट नहीं है जिसे सीखा और परफॉर्म कर दिया। लर्निंग इज अ प्रोडक्ट नॉट अ प्रोसेस। तो ये गलत है लर्निंग के बारे में, और यही यहाँ पर सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी स्टेज है जिसे स्ट्रेस ऑफ स्टॉर्म कहा जाता है। तो हमने ये डेफिनेशन भी पढ़ा था क्लास में, इसे क्या कहा जाता है, एडोलेसेंस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज कहा जाता है, और ये दिया था स्टैनली हॉल ने। नेक्स्ट वन है, डैश इज द मेंटल प्रोसेस विच माइंड इज फोकस्ड ऑन सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इवेंट्स और पर्सन्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा अटेंशन, वो क्या है, वो है अटेंशन। नेक्स्ट वन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 25, हु प्रोफाउंडेड थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग। इसने दिया है इंसाइटफुल लर्निंग, ये भी हमने बहुत बढ़िया तरीके से थ्योरी को परफॉर्म किया था, तो ये है आपका गुगलर। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो यहाँ पर हमारे पास जो सही ऑप्शन रहेगा, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑफ अ स्टूडेंट, इट शुड नॉट बी इकोनॉमिक इन द टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन सिंपल मेंटल एक्टिविटीज। तो क्या कहा था कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, नेचर ऑफ प्रॉब्लम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, इट शुड नॉट बी इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, टू मेजर वंस पोटेंशियल एबिलिटी इन एन एक्टिविटी ऑफ स्पेशल काइंड द टीचर शुड यूज। तो यहाँ पर क्या कहा था कि एक विशेष प्रकार की गतिविधि में किसी की संभावित क्षमता को मापने के लिए शिक्षकों को डैश का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर होंगे एप्टीट्यूड टेस्ट, अभी क्षमता को अगर मापना है तो अभी क्षमता परीक्षण जो है वो परफॉर्म करने चाहिए, क्योंकि पूछा था स्पेशल काइंड के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, इफ द आईक्यू ऑफ इंडिविजुअल इज एवर 140 ही स्कोर। अगर किसी बच्चे का जो आईक्यू है वो 140 से ऊपर है तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा गिफ्टेड स्टूडेंट। आईक्यू टेबल में हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, द वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस रिक्वायर द यूज ऑफ। अब यहाँ पर क्या कहा था कि वर्बल टेस्ट में क्या होता है, मौखिक मतलब जिसे हम बोल रहे हैं, सिर्फ जिसे बोलकर बताया जा रहा है उसमें क्या होगा, लैंग्वेज होती है, जिसमें क्या होती है, लैंग्वेज होती है। वर्बल टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ भाषा का उपयोग किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 30 था हमारे पास, डैश इज टाइप ऑफ थिंकिंग विच इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बिलीव्स एंड प्रेजुडिसेस। उसे कहा जाएगा, उस थिंकिंग को कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल टेट में जो साइकोलॉजी सेक्शन था वो बहुत ही अच्छा पूछा गया था यहाँ पर। यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बड़ी और चीज बता देती हूँ,
ये टो अबाउट द नेचर ऑफ प्रॉब्लम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ये हमारे पास दिया गया था। मेरे अकॉर्डिंग जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर बाकी हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द आंसर की वो हमें कौन सा आंसर यहाँ पर सही देते हैं। तो ये था हमारा साइकोलॉजी सेक्शन। आई होप सभी बच्चों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा साइकोलॉजी सेक्शन को। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।